वेलकम टू माई क्लास द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन हंड्रेड सेवेंटी टू इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम दो बातें डिस्कस करेंगे द फर्स्ट वन इज मोड्स ऑफ मेकिंग ऑफर एंड द सेकेंड वन इज टू होम एन ऑफर इज Made. This is lecture number 25. Modes of making offer, section 9. There are two ways of making offer. The first one is express offer, and the second one is implied offer. Express offer. When an offer is made either in written words or in spoken words, then we say that this is an express offer. Jab koi offer bolke ya ke di that is express offer. Let's take up an example. Mr. Seller, Mr. Buyer, Hamari pas do parties hai. Mr. Seller wants to sell his car to Mr. Buyer. मिस्टर एस राइट्स ए लेटर टू मिस्टर बी स्टेटिंग दैट आई वॉन्ट टू सेल यू माई कार फॉर रुपीज टू लैख डू यू वॉन्ट टू बाय इट सेलर ने buyer को एक लेटर लिखा मैं अपनी कार दो लाख रुपये में बेचना चाहता हूँ क्या तुम खरीदोगे इन दिस केस द लेटर रीचेज टू मिस्टर बाहर इस केस के अंदर एस ने लेटर के जरिए एक अपनी ऑफर लिख के दी है सो दिस इज द केस ऑफ एक्सप्रेस ऑफर लेट्स टेक अपर एग्जाम्पल वी हैव मिस्टर सेलर एंड देर इज अनादर पार्टी दैट इज मिसर सेलर वॉन्ट्स टू सेल हिज लैपटॉप ही आस्क डू यू वॉन्ट टू बाय माई लैपटॉप फॉर पीस फिफ्टी थाउजेंड यहां पर सेलर ने प्रस्पेक्टिव बायर को बोल के कहा है क्या तुम मेरा लैपटॉप पचास हजार रुपए में खरीदना चाहोगे <laughs> जहां पर कोई ऑफर बोल के या लिख के दी जाए इट इज ए केस ऑफ एक्सप्रेस ऑफर द सेकंड वन इज इम्प्लाइड ऑफर वेन एन ऑफर इज मेड नीदर इन इन स्पोकन वर्ड्स बट इज इन्फर्ड बाय कंडक्ट ऑफ ए पर्सन आर बी पॉइंट सरकमस्टांसिस ऑफ द केस जब कोई ऑफर ना तो बोल के दी गई ना लिख के दी गई लेकिन उस ऑफर को हम जान सकते हैं बाय द कंडक्ट ऑफ ए पर्सन बाय द कंडक्ट ऑफ ए पर्सन मीन्स उस व्यक्ति के काम करने के तरीके को देखते हुए आर दर्कमस्टांसिज ऑफ द केस या एक केस के हालात को देखने में हमें यह पता चलता है कि इस केस के अंदर इन दो पार्टियों के अंदर कोई ऑफर है देन दैट ऑफर इज इंप्लाइड ऑफर लेट्स टेक अप एन एग्जांपल। डीटीसी टी कॉरपोरेशन डेली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन डीटीसी रन से बस होने पर्टिकुलर रूट डीटीसी एक पर्टिकुलर रूट के ऊपर अपनी बस चला रही है this is an implied offer by DTC to take any passenger on the route who is prepared to pay the prescribed fare. DTC की तरफ से ये ऑफर ना तो बोल के दी गई ना लिख के दी गई लेकिन DTC टी सी बस का पर्टिकुलर रूट के ऊपर चलना एक एम्प्लॉड ऑफ़र है यहाँ पर सरकमसांसिस ही शो करते हैं कि डी टी सी की तरफ से एक एम्प्लॉड ऑफ़र है कि ये किसी भी पैसेंजर को लेके जाने के लिए उस रूट पर तैयार है जो पैसेंजर प्रस्क्राइब फेयर को पे करना चाहता है एक्सेप्टेंस ऑफ द्लीट एज सोन एज ए पैसेंजर गेट्स इन टू दी बस पैसेंजर बस के अंदर बोर्ड करता है उस वक्त ये माना जाएगा कि यहाँ पर उसने डी टी सी की तरफ से दी गई ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर वी आर कंसर्न ओनली विद एम्प्लॉयड ऑफर सो जो ऑफर ना तो बोल के दी गई ना लिख के दी गई लेकिन पार्टीज के कंडक्ट से या एक पर्टिकुलर केस के सर्कमस्टांसिस को देखते हुए हमें यह पता चल जाए कि एक पार्टी की दूसरी पार्टी को कोई ऑफर है दैट ऑफर 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 टू एन मेड किसको दी गई है इसके अंदर हम दो पॉइंट्स को टेकअप करेंगे द फर्स्ट इज स्पेसिफिक ऑफर एन ऑफर मेड टू ए पर्टिकुलर पर्सन जब कोई ऑफर एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को दी जाए

मिस एस मिस बी को एक ऑफर देती है अगर तुम मेरा मोबाइल फोन दस हजार रुपए में परचेस करना चाहती हो तो मैं बेचने के लिए तैयार हूं यहां पर मिस एस की तरफ से एक पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर दी गई है सो दिस ऑफर विल बी टर्म्ड एज स्पेसिफिक ऑफर सेकंड केस मिस्टर एस वांट्स टू सेल हिस कार एंड ही गिव्स एन ऑफर टू ए ग्रुप ऑफ पर्सन जिस ग्रुप ऑफ पर्सन को ये ऑफर दी गई है उसी में से कोई भी व्यक्ति इस पर्टिकुलर ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है दिस ऑफर विल बी टर्म्ड एज स्पेसिफिक ऑफर लिस्ट टेक वन मोर एग्जांपल। मिस्टर सेलर अपना गिटार बेचना चाहता है और उसने एक ग्रुप ऑफ पर्सन को ये अपनी ऑफर दी आई वॉन्ट टू सेल यू माई गिटार इफ यू वॉन्ट टू बाय दिस गिटार फॉर रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड यू कैन बाय पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन एनी पर्सन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ग्रुप कैन एक्सेप्ट दिस ऑफर एंड नो वन एल्स कैन एक्सेप्ट द सेकेंड पॉइंट इज जनरल ऑफर एन ऑफर विच इज मेड टू द पब्लिक इन जनरल एक ऐसी ऑफर जो की पब्लिक को दी गई है पब्लिक में से कोई भी व्यक्ति उस पर्टिकुलर ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है देन दैट इज जनरल ऑफर सो इफ एनी वन फ्रॉम द पब्लिक कैन एक्सेप्ट द ऑफर देन दैट ऑफर इज जनरल ऑफर एन ऑफर विच इज मेड टू द पब्लिक इन जनरल इसके अंदर मैं एक लीडिंग केस को टेकअप कर रहा हूं दैट इज कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी मैनुफेक्चर्ड एंड सोल्ड द कार्बोलिक स्मोक बॉल कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ये कंपनी का नाम है और यह कंपनी स्मोक बॉल को बनाती है इट इज ए सॉर्ट ऑफ मेडिसिन द कंपनी प्लेस्ड एड्स इन वेरियस न्यूज पेपर्स ऑफरिंग ए रिवॉर्ड ऑफ टू हंड्रेड पाउंड टू एनी पर्सन हु यूज द स्मोक बॉल थ्री टाइम्स पर डे एज डायरेक्टेड एंड कॉन्ट्रेक्टेड इन्फ्लुएंजा कोल्ड्स आर एनी अदर डिजीज कंपनी ने बहुत सारे न्यूज़पेपर के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट दिया और इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर उन्होंने 200 पाउंड का रिवार्ड देने की घोषणा करी उस व्यक्ति को जो व्यक्ति कंपनी की बनाई गई मेडिसिन स्मोक बॉल को दिन के अंदर तीन बार यूज करेगा लेकिन उसके बाद भी उसे इंफ्लुएंजा या कोड या कोई और डिजीज होगा दिस वॉज द एडवर्टाइजमेंट गिवन बाय द कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी टू हंड्रेड पाउंड एडवरटाइजमेंट के अंदर कहा है कंपनी ने न्यूज़पेपर के अंदर अपनी एडवर्टाइजमेंट कुछ इस तरह से दी जिसके अंदर कंपनी ने ये कहा आप हमारी कार्बोलिक स्मोक बॉल मेडिसिन को यूज कीजिए अगर इसको यूज करने के बाद आप इन डिजीज से क्योर नहीं पाते तो कंपनी आपको दो पाउंड का रिवॉर्ड देगी आफ्टर सींग द एडवर्टाइजमेंट मिसिज कार्लिली द बॉल एंड यूज इट एज डायरेक्टेड उसने कंपनी की इस मेडिसिन को परचेज किया और उसी प्रकार से यूज किया जिस प्रकार से कंपनी ने कहा था मिसिज कार्लिल कॉन्ट्रैक्टेड इन्फ्लुएंजा एंड मेड ए क्लेम फॉर द रिवॉर्ड इस दवाई को यूज करने के बाद भी मिसिज कार्लिल को इन्फ्लुएंजा हो गया मिसिस कार्लिल ने क्लेम फाइल किया कि मुझे 200 पाउंड का रिवॉर्ड दिया जाए कार्बोलिक स्मोक बॉल रिफ्यूज टू पे एंड मिसिज कार्लिल श्यूड फॉर डैमेजेस अराइजिंग फ्रॉम द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने मिसिज कार्लिल को 200 पाउंड देने से इनकार कर दिया मिसिज कार्लिल ने कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर दिया फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो तोड़ दिया है मुझे उसके अंदर डैमेजेस पे किए जाएं। डेमेज मीन्स मोनिट्री कंपनसेशन पे किया जाए द डिसीजन वॉज गिवन बाय जस्टिस लिंडले इट वॉज हेड दैट द ऑफर वॉज ए जर्नल वन जस्टिस लिंडले ने इस केस के अंदर डिसीजन दिया दैट द ऑफर वॉज जर्नल वन एंड मिसेज कार्लिल हैड एक्सेप्टेड इट बाय एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद द एडवर्टाइजमेंट जैसा कि इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर कहा गया था मिसेस कार्लिन ने उसी तरह से इस मेडिसिन को यूज किया एंड देर फोर शी वॉज एंटाइटल मीन्स अधिकार होना मिसिज कार्लिन इस रिवॉर्ड को पाने का अधिकार रखती है नाउ अस समराइज वी टॉक अबाउट द केस ऑफ मोड ऑफ मेकिंग ऑफर एंड वी सेड Offer can be express offer and offer can be implied offer. The second point we discuss that is to whom an offer is made. Offer can be made to a specific person or to a specific group of person. Then this will be specific offer. When an offer is made to the public at large, then this is general offer or is particular general offer ke case. Ke indar, humne कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के केस को भी अंडरस्टैंड किया मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो लेक्चर से आपकी अंडरस्टैंडिंग इस इन पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर बहुत इंप्रूव करेगी थैंक यू वेरी मच